Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. Today I am going to a family function, so I thought of making a vlog. This is going to be the second vlog that I'll be posting on my channel. So I am at my nani's house and I am going to my masi's place where the function is. And let's go. हम पहुंच गए थे मासी के घर, बट मैं ब्लॉग करना भूल गई एंड हमने खाना खा लिया है एंड वी आर नाउ स्टार्टिंग टू गेट रेडी। पर उससे पहले हमने देखा ये क्यूट सा डॉगी, जो कि रियल नहीं है, पर रियल से कम भी नहीं लग रहा, वो इतना क्यूट था। और मैंने उसे फिर पेट भी किया क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और बहुत क्यूट था। एंड देन आई स्टार्टेड टू गेट रेडी। सबसे पहले मैंने अपना मेकअप किया, जिसमें मेरे को बहुत टाइम लग गया क्योंकि मेरा आईलाइनर सेट नहीं हो रहा था। पहले एक साइड ज़्यादा लग गया, फिर एक साइड ज़्यादा लग गया। ओ माय गॉड, बहुत मेहनत से मैंने अपना आईलाइनर सेट करा और अपना मेकअप रेडी किया। और उसके बाद मैंने अपने बाल बनाए, ड्रेस पहनी, एक्सेसरीज पहनी एंड देन आई गॉट रेडी फॉर द फंक्शन एंड दिस इज़ हाउ आई लुक्ड। सो गाइस, नाउ आई एम रेडी एंड इस पूरे को करने में मेरी बहुत मेहनत हुई है, बट एनीवेज लेट्स गो। पर जाने में भी टाइम था तो हमने क्लिक करी ये क्यूट सी फोटोज। फिट चेक, पकड़िए फोन नीचे कर, हो गया। फिर हम लोग अंदर गए, वेन्यू पे बहुत सुंदर डेकोरेशन था और मेरी हील्स में तो मेरे पैर दर्द भी करना स्टार्ट हो गए थे। और ये रहा मासी के बर्थडे का डेकोरेशन। फिर मैंने खाए स्नैक्स एंड देन हमने क्लिक की फोटोज। और फोटोज क्लिक करा के हमने किया डांस, जो कि मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मैंडेटरी है, वो तो हम करते ही करते हैं। बहुत सारा डांस किया हम सब ने, पहले हम सब ने किया, उसके बाद भाभी ने और उनकी कज़िन ने किया। और फिर दी भाभी ने एक क्यूट सी परफॉर्मेंस भैया के साथ। फिर प्यारे से डांस को एंजॉय करने के बाद हुई केक कटिंग सेरेमनी, जिसमें मासी ने अपना बर्थडे केक कट किया। पहले तो फोटोज़ और फिर केक कटिंग। केक कटिंग के बाद हम तो फिर से डांस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कुछ भी हो डांस नहीं रुकना चाहिए। मैंने वीडियो में सॉन्ग्स नहीं डाले क्योंकि उन पर कॉपीराइट आ जाता है, बट कोई नहीं, अगर आपको कोई सॉन्ग समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद क्या मामा ने ये डांस, जो कि था स्टार ऑफ द नाइट, क्योंकि इस पर तो सभी लोग उठ के आ गए डांस करने क्योंकि सबको बहुत मज़ा आ रहा था। ये सॉन्ग तो गैस हो सकता है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा सॉन्ग है। उसके बाद हमने बनाई रेलगाड़ी, जिसको हमने पहले तो वही घुमाया और फिर हमने सोचा कि चलो पूरा हॉल घूम के आते हैं। फिर हम डांस करते करते आ गए वापस अपनी जगह पर। और फिर जब तक वॉशरूम के मिरर में एक दो सेल्फीज़ ना ले, तब तक तो फंक्शन पूरा ही नहीं होता। फिर मुझे भूख नहीं थी तो मैंने खाना नहीं खाया। पार्टी का तो उसके बाद हम सबसे मिलके वापस अजमेर के लिए निकले। मैं बहुत थक गई थी तो मैंने चेंज कर ली थी अपनी ड्रेस और मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी वापस आते टाइम, पर कोई नहीं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं थोड़ी बिजी थी, बट कोई नहीं, आई ट्राइड माई बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाई।